नमस्कार, 7 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी दूत होलब्रुक की भारत यात्रा, जानेंगे क्या उम्मीदें हैं इस यात्रा से। टर्की में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, अमेरिका की मुस्लिम जगत के साथ कोई लड़ाई नहीं। क्या मुस्लिम जगत के साथ रिश्ते सुधारने की ये पहल कामयाब होगी। और न्यूयॉर्क में हुआ बेरोजगारों का ओलंपिक्स। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अध्यक्ष माइक मलन अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर भारत पहुंचेंगे। इस सिलसिले में हमने सुरक्षा जानकार राजा कार्तिकेय से बात की। सो राजा, मलन और होलब्रुक भारत जा रहे हैं तो क्या नीतियां लेकर जा रहे हैं? देखिए, पहला ये कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति ओबामा के नई रणनीति में अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान को दिलासा दिलाएं कि भारत उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, ताकि पाकिस्तान अपनी पूरी जो ताकत है पूरी ताकत तालिबान के खिलाफ लगाए। और दूसरी बात यह कि भारत को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस दिया जा रहा है इस नए रणनीति में, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा, अफगानिस्तान को लेकर एक रीजनल अप्रोच का ये शायद शुरुआत है। और चौथा, अफगानिस्तान में बसे अमरीकी जो फौजें हैं उनके लिए लॉजिस्टिकल सप्लाईज वगैरह भारत दे सके। और भारत में अभी चुनाव का माहौल है, तो भारत की तरफ से क्या चिंताएं व्यक्त होंगी, क्या क्या कुछ कहा जाएगा? देखिए, भारत का अफगानिस्तान के प्रति जो भारत की रणनीति रही है उसमें काफी कंसिस्टेंसी रहा है, चाहे जितनी भी सरकारें बदली हैं दिल्ली में। लेकिन पहला ये कि भारत नहीं चाहेगा कि इस वक्त और इस मुकाम पे कश्मीर के मसले को सामने लाएं और होलब्रुक और मुलन कोशिश करें कि कश्मीर के मसले में अमेरिका मीडिएट करने की कोशिश करे, तो ये भारत को मंजूर नहीं होगा। फिर भारत ये भी चाहेगा कि पाकिस्तान सिर्फ तालिबान का नहीं पर भारत के खिलाफ जो भी आतंकवाद गुटे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पता है www.voasamachar.com। राष्ट्रपति ओबामा ने टर्की की पार्लियामेंट के सामने कहा है कि मुस्लिम जगत और अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं है। उनके इस बयान को मुस्लिम जगत के साथ संबंध सुधारने के उनके वादे से जोड़कर देखा जा रहा है। 99% मुस्लिम जनसंख्या वाले देश टर्की को अपने यूरोपीय दौरे में शामिल करके बराक ओबामा ने इस्लामिक देशों की तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और टर्की की संसद में उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के साथ साथ टर्की के दुश्मन अलकायदा जैसी हिंसक विचारधारा वाले संगठन हैं और धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि अमेरिका इस्लाम के खिलाफ जंग न कभी कर रहा था न कभी करेगा। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि इस्लामिक दुनिया के साथ अमेरिका के संबंधों का आधार केवल आतंकवाद का सामना करना नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनने के बाद बराक ओबामा लगातार इस्लामिक देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पहले भाषण में उन्होंने इस्लामिक देशों के साथ नई शुरुआत की अपील की थी। अपना पहला इंटरव्यू भी ओबामा ने मध्य पूर्व के टीवी चैनल अल अरेबिया को दिया था। और टर्की की संसद की तरह अपनी इस्लामिक विरासत को सकारात्मक तरीके से लोगों के सामने रखा था। कौन कहता है कि बेरोजगारों के सामने नौकरी ढूंढना यही एक काम होता है। न्यूयॉर्क में कई बेरोजगारों ने हिस्सा लिया बेरोजगारों के लिए आयोजित एक खास ओलंपिक में, जहां अनोखी खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए नौकरी ना होने का दुख उन्होंने कुछ देर के लिए ही सही भुला दिया। मुश्किल समय में हंसी मजाक का माहौल बना अनएम्प्लॉयड ओलंपिक्स के जरिए। आयोजक निक गोदार खुद नौकरी की तलाश में है। आज के आर्थिक हालात सबको परेशान कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यह अच्छी बात होगी कि उन्हें कुछ वापस देकर उनके चेहरे पर खुशी लाई जाए। फोन और फैक्स मशीनों को फेंकना, बॉस को दोषी ठहराना और बेरोजगारी की ओर दौड़, ऑफिस में न होकर भी ऑफिस से जुड़े खेलों का इंतजाम था। विजेताओं को इनाम भी मिले। बेरोजगारी हमेशा खराब नहीं होती, ये एक नई शुरुआत है और ये एक मौका भी है कुछ अलग करके खुश रहने का। न्यूयॉर्क के टॉमकिंस पार्क में जमा बेरोजगार खिलाड़ियों को मौका मिला अपने जैसों से मिलने का। एक दिन की मौज मस्ती के बाद अब ये लोग वापस नौकरी की तलाश शुरू कर देंगे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय हो तो हमें लिख भेजिए।
हमारा ईमेल एड्रेस है अमेरिका लाइव @voanews.com। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।